गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप नया टॉपिक डिस्कस करन जा रहे हैं, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, वास्तविक संख्यावां ते क्रियावां। कल आप पिछले टॉपिक डिस्कस किया सी कि रैशनल नंबर्स ते इरैशनल्स, परिमेय ते अपरिमेय संख्यावां की हुंदियां हन। आज आप उन्हां बारे विस्तार से जानकारी देखांगे कि उन्हां दे जोड़ घटाओ ते मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये सब किदां करीदी है। सब तो पहला आपां नूं पता है कि रूट टू की है, एक इरैशनल नंबर है, तो रूट थ्री भी की है, एक इरैशनल नंबर है। इस तरीके नाल रूट फाइव, ये सारे जेड़े है इरैशनल नंबर हैगे है। हुण जे सपोज करो आप रूट टू नू रूट टू दे विच ही ऐड करना है, जे आप इन्हां दोनों नू जोड़ना है तो यह आंसर की आएगा, यह आ जाएगा टू रूट टू। रूट टू तो उदा ही रहेगा, इतने भी वन लगे होया है, इतने भी वन लगा होया है, वन प्लस वन की हो जाता है टू, इस करके आंसर की बन जाएगा टू रूट टू। इस तरीके दे नाल जे तुसी तीन रूट दो प्लस चार रूट दो नू ऐड करना है तो तुहाडा आंसर की आएगा, तीन प्लस चार की हुंदा है सत्त, ते की बन जाएगा सत्त रूट दो। इस तरीके दे नाल जे आपां घटाओ करने हैं तो वह किदा होंगे, जिवें तीन रूट दो नू माइनस करना है दो रूट दो दे नाल, ते माइनस च आपां किदा करांगे, तीन चो पहला दो घटाते, तीन चो दो घटावांगे तो की आएगा इको, तो रूट दो जिहड़ा हैगा वो एज इट इज़ रूट टू ही रह जाएगा। इस तो बाद जे आप तीन रूट दो नू पांच रूट दो दे नाल घटाना है तो फिर की बनेगा, तीन चो पांच गए तो की आ जाता है माइनस दे दो, नाल की आ जाएगा रूट दो। तो इस तरीके नाल आप एडिशन ते सबट्रैक्शन किसी भी इरैशनल नंबर की कर सकते। हुण जे मल्टीप्लीकेशन की गल करिए तो बेटा रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू की हुंदा है, रूट रूट खत्म हो जाता है तो यह सिर्फ की आ जाता है टू। रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू नूं फोर नहीं कहना, तुसी रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू नूं टू ही कहना है। यह किदां बनता, देखो रूट कट्ठा हो जाता है तो टू मल्टीप्लाई टू वो की हो गया रूट फोर, तो फोर का रूट सारियां नूं पता की हुंदा है टू। इस तरीके नाल रूट पांच नूं रूट पांच नाल जो आप गुणा करांगे तो एक ही बन जाएगा, रूट कट्ठा हो गया पांच नूं पांच नाल कीता पच्ची, तो इत्थे की आ जाएगा पांच। नहीं तो तुसी डायरेक्टली भी तुहानूं कदी भी इदां लिखिया होए रूट सत्त नूं रूट सत्त नाल करो तो डायरेक्टली तुहाडा आंसर की आ जाएगा कि रूट रूट खत्म हो जाएगा तो जिहड़ा नंबर सेम है उही आंसर आ जाएगा। सारयां नूं इह गल क्लीयर हो गई, हुण आपां नैक्सट करना है सिंपलीफाई। जे आपां नूं कोई भी क्वेश्चन दिता हो सॉल्व करन नूं आपां नूं किद्दां करना है, इन्हां दोनों नूं आपां गुणा करना है किद्दां। सब तो पहला टू नूं पूरी इस ब्रैकेट नाल, फिर प्लस रूट थ्री नूं सारी इस ब्रैकेट नाल, ये की बन जाएगा। हुण दो नू तीन नाल गुणा किया की आ गया छे, दो नू दो रूट तीन नाल किया की आ गया चार, ते रूट तीन एज इट इज़, प्लस रूट तीन नू तीन नाल किया की बन गया तीन रूट तीन, प्लस दो रूट तीन नू रूट तीन दे नाल किया, देखो दो रूट तीन नू रूट तीन दे नाल जदों आपां किया की बनिया, ये हो गया छे प्लस चार रूट तीन प्लस तीन रूट तीन प्लस रूट तीन नू रूट तीन नाल हमने आप सीखे की हुंदा है तीन ही आ जाएगा, तो दो नू हुण तीन नाल सिंपली गुणा करना है, आप की बन गया है सिक्स प्लस फोर रूट थ्री प्लस थ्री रूट थ्री गिव्स फोर प्लस थ्री इज ईजी प्लस थ्री टू जार सिक्स, नाउ सिक्स प्लस सिक्स इज ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस सैवन रूट थ्री दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके दे नाल आपां किसी भी क्वेश्चन नूं जिद्दां मर्जी सिंपलीफाई कर सकते हैं। जिवें एक होर क्वेश्चन देखो, अपने कोल है रूट पांच प्लस रूट दो दा स्क्वेयर, ये कढ़ना आपां। हुण इहनूं आपां किद्दां लिखांगे, रूट पांच प्लस रूट दो गुणा करो इहनूं रूट पांच प्लस रूट दो दे नाल, ये की बन जाएगा। सब तो पहला रूट पांच नू पूरी इस ब्रैकेट नाल प्लस रूट दो नू
सारी इस ब्रैकेट नाल ए हुण की बन जाएगा रूट पांच नू रूट पांच नाल जदों गुना किया तो की आ गया पांच ही आ गया प्लस रूट पांच नू रूट दो नाल किया तो रूट नाल पांच इंटू दो इत्थे की बन जाएगा दो इंटू पांच दा रूट प्लस रूट दो ए की बन गया दो ही बन गया हुण देखो पांच प्लस पांच दूनी दस इत्थे भी रूट दस प्लस दो हुण पांच ते दो की हो गए सत हो गए प्लस रूट टेन विल गिव यू टू रूट टेन इस तो ज़्यादा ये सिंपलीफाई नहीं हो सकता तो यही अपना की बन गया आंसर आ सारिया नू इन्ना टॉपिक क्लीयर हो गया हुण इस तो बाद आपां सीखना है नवी एक प्रॉपर्टी जिन्हों कहने आ रैशनलाइजेशन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर परिमेयकरण करो हर द परिमेयकरण करना देखो स्टूडेंट्स जदों भी डिनोमिनेटर च मतलब हर च जदों भी एक इरैशनल नंबर आ जाता है जिमें रूट दो एक इरैशनल नंबर है तो उन्होंने आपां डिनोमिनेटर चो खत्म करना होंदा है इहदे लई आपां नूं की करना पैंदा है न्यूमीरेटर ते डिनोमिनेटर दोनों च रूट दो नूं ही गुना कर दो रूट दो नाल न्यूमीरेटर च भी मल्टीप्लाई कर दो ते डिनोमिनेटर च भी मल्टीप्लाई कर दो सेम जिहड़ी चीज़ नीचे लिखी हुई है उहदे नाल उपर की बन जाएगा रूट टू नीचे की आ जाएगा रूट दो नू रूट दो दे नाल जदों तुसीं गुना किया की बन जाएगा दो ते हुण तुहाडा जिहड़ा डिनोमिनेटर है तुहाडा जिहड़ा हर है उहदे विच कोई इरैशनल नंबर नहीं प्रेजेंट इहदा मतलब तुहाडा इत्थे ही एक आंसर बन गया इह तां बहुत ईजी सी इस तों इलावा जे अपने को लिखिया होया है दो प्लस रूट तीन हर विच दे दिता दो प्लस रूट तीन ओदा आपां की करना है परिमेयकरण करना है इदां दे क्वेश्चन च आपां की करना हुंदा है एक बटा दो प्लस रूट तीन दिता होया है ते तुसी इहनूं मल्टीप्लाई किहदे नाल करना है इस दे उल्ट साइन नाल जिहड़ा इरैशनल नंबर पिया है ओदे साइन दे उल्ट साइन नाल जिवें इत्थे टू प्लस रूट थ्री है तुसी टू माइनस रूट थ्री नाल मल्टीप्लाई ते डिवाइड कर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू माइनस रूट थ्री न्यूमिनेटर की हो जाएगा टू माइनस रूट थ्री डिनोमिनेटर की हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए की बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर सारे ने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ए प्लस बी नूं जदों ए माइनस बी दे नाल गुना करिए तो की आ जाता है ए दा स्केयर माइनस बी दा स्केयर ए की बन जाएगा दो दा स्केयर माइनस रूट तीन दा स्क्वेयर की बन जाएगा फिर अपने को ओवरऑल आंसर दो माइनस रूट तीन तो उपर आ गया थले की आएगा दो दा स्केयर की हो गया चार माइनस रूट तीन दा स्केयर की हो गया रूट तीन नाल गुना किया की बन गया तीन बन गया तो अपना आंसर की आ गया दो माइनस रूट तीन बटा एक तो बटा एक दा लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पैंदा तो ओवरऑल आंसर की बन गया दो माइनस रूट तीन आई होप ये टॉपिक सारिया नू क्लीयर है ठीक है फिर हुण आपां सीखे रैशनलाइजेशन इस तो बाद हुण आपां नैक्सट देखना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स घात अंक दे नियम ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਾਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਪਾਵਰ ਐਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਏ ਪਾਵਰ ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਸ ਸੇਮ ਪਾਵਰਸ ਐਡ ਜੇ ਆਧਾਰ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਾਵਰਸ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਏ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਮ ਪਲੱਸ ਐਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਏ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਏ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਮ ਦੇ ਨਾਲ
बेस सेम विच डिवाइड द साइन तो पावर्स की हो जाती है सबट्रैक्ट हो जाती है ए दी पावर एम माइनस एन हो जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी की होंगी है ए दी पावर एम है ओ दी पावर एन दिती हुई है जे एक पावर के उपर पावर दिती हुई है फिर की होंगे उस नंबर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ए दी पावर एम एन बन जाती है। इस तरीके दे नाल जे ए दी पावर माइनस एन लिखी हुई है माइनस च लिखे होने का मतलब की है उदा उल्ट कर दो एक बटा ए दी पावर एन बन जाती है। इसे अपने को बेसिक लॉज हूँ इन्हों यूज किदा करना है आप देखते हैं। जिमें तुहानू क्वेश्चन है 16 दी पावर 3/2 इसे कैलकुलेट करना 16 दी पावर 3/2 कैलकुलेट करना है। सब तो पहला तो तुसी 16 नू इदा दे नंबर च कन्वर्ट करना है जिदी पावर 2 करन नाल 16 बन जाए। जिमें 4 दी पावर 2 16 हुंदी है ताकि जिहड़ा ए 2 है तो ए 2 है दोनों की हो जाए कैंसल आउट हो जाए 2 ते 2 कैंसल हो गए तो बचा कि अपने को 4 दी पावर 3 तो इनू तुसी कैलकुलेट कर सकते हो 4 × 4 × 4 16 × 4 64 ये तुहाडा आंसर आ गया। इस तरीके दे नाल जे इदा लिखे होए 16 तो अलावा कोई आप नंबर लै लेंगे 64 लै लें जिमें 64 दी पावर 5/2 ये दिती हुई है इनू किदा कैलकुलेट करांगे हुण 64 नूं आपां बदलना है इदा दे नंबर च जिहदी पावर 2 करन नाल 64 आंदा होए उह किहड़ा नंबर हुंदा है 8 8 दा स्केयर पावर 5/2 2 ते 2 कैंसल आउट ते बचिया की 8 पावर 5। इस तरीके दे नाल आपां कोई भी पावर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हां जिवें 2 दी पावर 1/3 इंटू 2 दी पावर 2/3 इहनूं किदा सॉल्व करांगे आधार सेम है विचे मल्टीप्लाई का साइन है तो घात की हो जानी है ऐड हो जानी है तो की बनेगा ये 2 दी पावर 1/3 + 2/3 की बन जाएगा 2 दी पावर 3/3 कैंसल होके 1 बन गई 2 दी पावर 1 कितना आ गया 2 आ गया। इस तरीके दे नाल जिन्हें मर्जी तुसी इदा दे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो सिर्फ तुहानू बेसिक रूल्स पता है तो तुसी केड़ा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आज दी क्लास आई होप सारे नू समझ लगी है। थैंक यू सो मच।